नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2022 जो कि मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है 27 सितंबर से, क्या टलेगा, क्या है अपडेट, पीसीएस 2021 के फाइनल रिजल्ट ना आने के कारण क्या इस पे प्रभाव पड़ेगा, और पीसीएस 2021 का जो कि रिजल्ट कब तक क्लियर हो सकता है, और पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा पर इसका क्या असर है, कैसे है, जो भी अफवाहें चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, जो न्यूज़ चल रहा है, कितने प्रतिशत तक सत्य है, क्या है, कैसे, आइए इसके विषय में आप सभी लोगों को जानकारी दे दें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लें पीसीएस 2021 जो कि ऐसा मुद्दा बना, और हमने आप सभी लोगों को वहाँ की लगभग जितना हो सका हमसे लोगों के साक्षात्कार का वीडियो हम आप सभी लोगों के सामने लेकर के आए चैनल के माध्यम से, ताकि आप सभी लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके कि आपके जो सीनियर हैं, जो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, किस हिसाब से पहुँचे हैं, क्या तैयारी करके पहुँचे हैं, वो सारी चीज़ें दोस्तों बात करेंगे। देखिए पीसीएस 2021 का जो रिज़ल्ट ना आने से क्या नुकसान होने वाला है, नुकसान ये है यदि मुख्य परीक्षा 2022 के पहले यदि रिज़ल्ट नहीं आता पीसीएस 2021 का, तो जो छात्र हैं वहाँ पर पीसीएस 2021 में जो सेलेक्ट होंगे, जो एसडीएम बनेंगे, जो उच्च रैंक पे जो एसडीएम बनेंगे, उतने छात्रों का 2022 में फिर से अपने आप को सीट को कवर करना हो जाएगा। यदि वो रिज़ल्ट पहले ही आ जाता है तो वो उतने छात्र जो हैं उतने सीटों से अपना बायकॉट कर लेंगे, और उसमें कुछ नए छात्रों का एसडीएम पद पे चयन होगा। ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और बहुत से भी ऐसे पद हैं जिनमें छात्र हो सकता है कि सिलेक्शन होने के बाद 22 वाले एग्ज़ाम को देने ना जाएं और कुछ समय के लिए रिलैक्स करें। जो नीचे के पद हैं जैसे डिप्टी एसपी, नायब तहसीलदार और अन्य जितने भी पद हैं, अगर इनमें भी सिलेक्शन हो जाता है तो हो सकता है 2022 का पेपर वो भी ना दें, और वो भी पदों पर जो छात्र होंगे उनको काफ़ी हद तक मौका मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, एक मुद्दा तो ये हो गया। दूसरा, जब हम इंटरव्यू ले रहे थे वहाँ पे लोगों का, जब आयोग में 2021 का साक्षात्कार चल रहा था, तो साक्षात्कार लेते समय मुझे कुछ नई बातें, जानकारी पता चली थी, जो कि ये थी, कई ऐसे छात्र थे जो एकदम एक्चुअल में ईश्वर करे उनका हो और होगा भी उनका सिलेक्शन, लेकिन उन्होंने इतना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में पीसीएस 2021 का इंटरव्यू दिया है कि 2022 का फॉर्म तक भी उन्होंने फिलअप नहीं किया है। ये भी हम आप सभी लोगों को जानकारी दे देते हैं। ठीक है, तो छात्र ऐसे भी हैं कि 2021 के परीक्षा पे काफ़ी हद तक एकदम निर्भर थे कॉन्फिडेंस के साथ में कि इस बार उनका चयन हो रहा है, और 2022 का उन्होंने फॉर्म फिलअप भी नहीं किया है। ठीक है, तो ये उनके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है यदि रिज़ल्ट इसका देर से आता है। लेकिन दोस्तों क्या होगा, कैसे होगा, आगे बने रहिए, सुनते रहिए, हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अब दोस्तों मार्केट में हल्ला ये है कि पीसीएस 2022 का जो मुख्य परीक्षा है वो जो है डेट कैंसिल होगी, पेपर नहीं होगा। तो ऐसा कतई भी नहीं है, जरा सा भी 1% भी ये सवाल मन में अपने मत लाइएगा, क्योंकि आयोग ने पीसीएस 2022 के मुख्य परीक्षा का जो शेड्यूल है वो पूरा एग्ज़ाम शेड्यूल दे दिया है आप सभी लोगों के लिए। तो एकदम निश्चिंत रहिए, एग्ज़ाम जो है वो आपके यथास्थित जो तारीख है उसी तारीख से एग्ज़ाम होना प्रारंभ होगा। और आपको ये भी हम बता दें कि पीसीएस 2021 का रिज़ल्ट भी इसके पहले ही आ जाएगा, और जितने भी छात्र ये टेंशन में होंगे कि हो सकता है पीसीएस 2021 का रिज़ल्ट नहीं आए, और पीसीएस 2021 के जो सेलेक्टेड होने वाले छात्र हैं वो 22 का पेपर भी दे लेंगे, तो विश्वास करिए आपका 21 का रिज़ल्ट पहले ही आ जाएगा, और साथ ही में 22 की जो तारीख है वो तारीख भी एग्जैक्ट सेम तारीख पे होगी। अब लोग इसलिए ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि पीसीएस 2021 का जो रिज़ल्ट है यदि वो लेट होगा तो जाहिर सी बात है पीसीएस 2022 की परीक्षा को टाल देगा आयोग, ऐसा मुख्य परीक्षा को टाल देगा, ऐसा ही लोगों का सोचना और समझना है। तो दोस्तों आपको बता दें
यदि ऐसा होता भी है तो भी पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा डेट नहीं टलने वाला है। और बाजार में ऐसी अफवाह खबर जो भी फैला रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कृपया करके ऐसी खबरें बिल्कुल ना फैलाएं, क्योंकि छात्र जो हैं बड़ी मेहनत के साथ में अपनी तैयारी करते हैं और बहुत से त्याग करके इस समय जीवन में संघर्ष करके अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो जो भी मुख्य परीक्षा जिनका निकला है वो एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में पास करने के लिए उन्होंने कई साल कोचिंग की, कई साल पढ़ाई करने के बाद प्रारंभिक परीक्षा निकला है, तो इस मुख्य परीक्षा में अपने साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो लोग। चाहे एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, आपको पढ़ते रहना है। मेरी तरफ से जो अपडेट थी आप सभी लोग को दे देना। तो जी हाँ दोस्तों, यही एक बड़ी अपडेट थी आप सभी लोग पास पहुँचाना। कई दिन से दिमाग में चल रहा था ये अपडेट देना, क्योंकि काफ़ी लोग इस प्रकार से भ्रमित और संशयित होकर के बैठे हुए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग का सहयोग और प्यार आजकल कम मिल रहा है, जैसे ही हम वीडियो अपडेट देना कम करते हैं आपका प्यार और सहयोग भी कम होता जाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग ऐसा बिल्कुल मत करें, अपना प्यार और सहयोग बना के रखें, क्योंकि आप जितना मजबूत हमको बनाएंगे हम उतने ही आसानी से, उतने ही अच्छे तरीके से, उतने ही सच्चे तरीके से आप सभी लोग के लिए हम न्यूज़ और अपडेट ला पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्त यार से शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।